हिंदुवादी नेता रणजीत बच्चन की हत्या का खुलासा हुआ है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सुपारी किलर के जरिए महिला ने रणजीत की हत्या कराई थी। तो पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। मुंबई में छुपा शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद बचने के लिए मुंबई भाग गया था ये शूटर। आरोपी शूटर से फिलहाल पूछताछ के बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को कॉल डिटेल सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग। तो हत्या की वारदात में कई लोग शामिल थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो 2 फरवरी को गोली मारकर रणजीत की हत्या की गई थी और उसके बाद से ही लगातार मामला जो है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन मिश्रा लाइव जुड़ गए, हम उनका रुख कर लेते हैं। गगन, अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी मुंबई से एक शूटर की और अब लखनऊ लाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जब रविवार को हत्या हुई थी रणजीत बच्चन की, उसके बाद से ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर से 8 टीमें गठन की थी इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कमिश्नर को ये कहा था जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। इसके बाद कल गोरखपुर से कई लोग को देंगे। तो 2 फरवरी को गोली मारकर रणजीत की हत्या की गई थी और उसके बाद से ही लगातार ये पूरा मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर से रुक करेंगे हम गगन का। गगन, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई से एक शूटर की गिरफ्तारी, कब तक लखनऊ लाया जाएगा शूटर को? देखिए बिल्कुल, माना जा रहा है कि अब पुलिस बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है हत्यारों की, क्योंकि कल जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, एसटीएफ ने गिरफ्तार हिरासत में लिया था कुछ लोगों को पूछताछ के लिए, उसके बाद जो पुलिस टीम मुंबई पहुंचती है एसटीएफ के साथ और वहां पर जो मुख्य हत्यारा था जिसने गोली चलाई थी वो शूटर पकड़ लिया गया है। फिलहाल अभी दूसरे शूटर की जो साथ में था उसकी तलाश की जा रही है और माना जा रहा है लखनऊ में आने के बाद पुलिस उसको लाकर मीडिया के सामने प्रस्तुत कर देगी और पूरे मामले का खुलासा कर देगी, क्योंकि पहले से ही पुलिस कह रही थी कि ये पूरा मामला घरेलू विवाद का है और इसमें किसी महिला का मुख्य किरदार होगा इसमें, और माना जा रहा है कि शक की सुई जो लखनऊ में उसके साथ पत्नी रहती थी उसकी थी, लेकिन फिलहाल अभी सूत्रों से तो हवाले यही खबर यही आ रही है कि एक शूटर को मुंबई से पकड़ लिया गया है और जल्दी उसे लखनऊ लाया जाएगा, जिसके बाद जो मुख्य साजिश करता था या करती थी उसको पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसे पूछताछ करने के बाद पूरे मामले का खुलासा। बिल्कुल गगन, इससे पहले 2 लोग ऑलरेडी जो है वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है कि जो फरार चल रहा है शूटर है, क्या उसमें मदद मिल पाएगी पुलिस को पूछताछ में? देखिए बिल्कुल, कल लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर से कई लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी, कॉल डिटेल निकाली गई थी। कॉल डिटेल निकालने के बाद ही उस शूटर तक लखनऊ पुलिस और एसटीएफ पहुंच सकी है, जिसके बाद मुंबई से उसको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि कॉल डिटेल लगातार पुलिस छान रही थी, जितने भी उनके रणजीत बच्चन के करीबी मित्र थे या करीबी पार्टनर थे, जो क्योंकि इससे पहले गोरखपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर थे तो उनके काफ़ी करीबी थे, लेकिन उनकी जो कटघाटी थी, जो वीडियो में कटघाटी हत्यारों की दिख रही थी वो भी उनसे मिलती जुलती थी, इसी के चलते उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से पूरी तरह से कॉल डिटेल निकाली है पिछले 4 दिनों में वो काफी प्रशंसनीय है, लगातार पुलिस काम कर रही है उसी के चलते। बिल्कुल, पुलिस की गंभीरता जाहिर तौर पर गगन यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अब जिस तरह से शूटर की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि हत्या के बाद से ही जो आरोपी है वो लगातार फरार चल रहे थे, अब 2 लोग जो है वो पुलिस की कस्टडी में ऑलरेडी है और अब ये गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, तो इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए? देखिए, जब तक शूटर लखनऊ नहीं आ जाता तब तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आने वाली है। फिलहाल जब तक अभी इंतजार करना होगा कि जब मुंबई से उस शूटर को लखनऊ लाया जाएगा, उसके बाद ही जब तक, क्योंकि साजिश करता अभी सामने नहीं आ सका है, शूटर से पूछताछ होनी है, शूटर को किसने हायर किया था रणजीत बच्चन को मारने के लिए, पूरी साजिश किसने रची थी, कौन कौन साजिश करता था, उस सब पूरे जितने बिंदु हैं वो उसके सामने आने के बाद ही पुलिस अपनी प्रतिक्रिया देगी। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर इस है, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सामने आता है शूटर की तरफ से देखना होगा गगन। लेकिन जो महिला की भूमिका सामने आ रही है, जैसे कि आपने जानकारी भी दी है कि एक महिला की जो है भूमिका मुख्य तौर
पर देखी जा रही कि उसी ने सुपारी इन शूटरों को दी थी, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या उस महिला को लेकर अभी कोई जानकारी मिल पाई है? इस शूटर को जब तक लखनऊ लाया जाएगा उससे जानकारी मिल पाएगी इस महिला की? देखिए, क्या जो रंजीत बच्चन थे उनके जो आस पड़ोस आस करीब जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो उसकी पहली पत्नी हो, चाहे उसकी दूसरी कथित पत्नी कालिंदी शर्मा हो या फिर कालिंदी शर्मा की साली हो, तीनों महिलाएं रंजीत बच्चन की काफी दुश्मन थी क्योंकि पहली पत्नी को छोड़ चुका था। दूसरी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि उसकी बहन के साथ रंजीत बच्चन के ऊपर आरोप था कि उसने रेप किया था। तो जितनी भी महिलाएं हैं, तीनों महिलाएं रंजीत बच्चन के आस पास, वो तीनों उसकी बड़ी दुश्मन थी। लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी ये साफ नहीं किया कि इस साजिशकर्ता में कौन सी महिला का हाथ है, क्योंकि गोरखपुर में जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही थी, लखनऊ में जो कालिंदी शर्मा से उनसे पूछताछ हो रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि गोरखपुर की महिला जो इनकी पहली पत्नी थी उनसे गहन बातचीत हुई थी, उसके बाद ही मुंबई पुलिस पहुंची है। तो माना जा रहा है कि शायद जो पहली पत्नी है उसका भी नाम सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सी महिला होगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि ये साफ हो सके कि साजिशकर्ता कौन था। ये जितनी भी साजिशकर्ता के नाम है वो शूटर के बयान के बाद ही सामने आएंगे कि आखिरकार वो कौन था, क्योंकि अभी एक शूटर पुलिस के पहुंच से दूर है। जब तक वो शूटर नहीं मिल जाता उसके बाद ही पुलिस कुछ कहेगी। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस का ये दावा है कि जो एक महिला है वो महिला ही मुख्य साजिशकर्ता थी। बिल्कुल, लेकिन ये महिला कौन है ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।